ये मेरे साथ बैठा हुआ ये जो लड़का बच्चा है, इसका नाम पंपोस प्रतापगढ़ी है, जिन्होंने अपनी जुबान, अपनी इस प्रतापगढ़ की भाषा से ये इस कदर वायरल हुआ कि मुंबई में अरुण मिश्रा करके एक व्यवसायी हैं जो प्रतापगढ़ से ही बिलोंग करते हैं, उन्होंने जब इस लड़के की वीडियो अरुण चाचा भगवान जी बन के मदद कर रहे हैं। हृदय तल की गहराइयों से एडिटर चीफ भैया, हमारे शिखर तक न्यूज के एडिटर चीफ हमारे भैया सुरेश शुक्ला जी आए हैं। मैं आपको हृदय तल की गहराइयों से धन्यवाद देता हूँ। आज पंपोस प्रतापगढ़ी जी के घर पे पूजा, मतलब गृह प्रवेश का कार्यक्रम रखा। आज पूजा है, गृह प्रवेश सबसे पहले ब्याह कर दुलाइन लाभ, 4 दिन बाद न्यूज वाले हैं, न्यूज पूरी सब्जी खट्टा चावल दाल पनीर पूरी या गैस चूल्हा है, ये हमारे मामा है, बाकी और मगाए टीम कुल बने। सबसे पहले तो मैं शिखर तक चैनल का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे इस लायक समझा। मेरी कोई इच्छा नहीं है कि पंपोस प्रतापगढ़ी का मैंने हेल्प की, लेकिन आप प्रतापगढ़ से मुंबई आए उसके लिए मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ आपका। पहले तो एक बात बताऊँ कि मेरा एक जीवन का उद्देश्य है कि मातृभाषा, मातृ प्रेम और मातृभूमि का कोई विकल्प नहीं है। तो पंपोस की जो भाषा है, जो अवधी, मैं एक दिन ऐसे वीडियो देख रहा था तो पता नहीं मुझे ऐसा लगा कौन है लड़का, तो मैंने उसको चैनल पे जो भी विकास शुक्ला जो उनके जो डालते हैं तो मैंने उनको फ़ोन किया, उनका नंबर लेके कि मैंने उसमें मैसेज डाला कि प्लीज़ कॉल मी, मैं आई एम सो एंड सो। तो उन्होंने मुझे फ़ोन किया, मैं बोला यार इस बच्चे को आप लोग इतना अच्छा बोलता है और आप लोग इसको पागल समझ के इतना उसको ट्रेडिंग करते हो, उससे गुस्सा दिलाते हो, कहीं ना कहीं उसका ब्रेन हेमरेज ना हो जाए। तो उन्होंने कहा भैया मैं अभी बिज़ी हूँ, ज़रा मैं आपको बाद में बात करता हूँ। तो उसके बाद उन्होंने मुझे फ़ोन किया तो मैंने उसकी इंक्वायरी की कि भाई पंपोज ये कौन है कौन। तो उन्होंने मुझे बताया कि एक हमारे गांव में कोई तिवारी हैं और एक बहुत गरीब परिवार है और उसके पिताजी कोई चाय की दुकान पे काम करते हैं। और मैंने कहा उसकी मम्मी, बोला मम्मी नहीं है, उसकी मम्मी का देहांत हो गया है और उसकी नानी है, वो जो बहुत गरीब है, उनके घर में सब ऐसे मंदबुद्धि हैं। तो मैंने कहा कि यार ये तो ये लड़के को आप लोग मत तकलीफ दीजिए इतना कि नहीं बेचारा एक दिन ब्रेन हेमरेज हो जाएगा उसका। तो उन्होंने फिर मैंने उनको कहा कि एक दिन ऐसे करिए अगर आप कह रहे हैं गरीब हैं तो उसके कौन है उसके घर परिवार में, आप उसको दिखाइए। तो मेरे कहने के बाद विकास शुक्ला टल्ली बाबा जो उनके जो ये हैं उन्होंने उसका घर दिखाया, उसकी नानी का इंटरव्यू लिया, उसका घर दिखाया। रियली मैं वो देख के मेरे आंखों में आंसू आ गए और उस नानी को देख के मेरी माँ की याद आ गई। और पंपोज एक बहुत ही दिल का साफ और बहुत ही होनहार भगवान, उसको अगर मंद बुद्धि तो मैं कहूँ अगर वो उसकी जो सोचने की बुद्धि वो ब्रेक होती है, एक बीमारी है, तो उस उससे कुछ याद नहीं रहता कि मैं क्या बोल रहा हूँ और क्या मुझे कहना चाहिए। लेकिन उसके बावजूद भी जो उसके माइंड में एक एक विचार आते हैं, जो अवधी भाषा वो बोलता है, वो देख के मैं बहुत इम्प्रेसिव हो गया। इसलिए मैंने, पता नहीं भगवान ने मुझे क्या दिखाया और उसके प्रति एक अलग सा प्यार हो गया। और उसमें एक ही कॉमन वर्ड है कि पंपोस की भी माँ नहीं है और मेरी भी माँ नहीं है। इसलिए मैं हमेशा भगवान से एक ही प्रार्थना करता हूँ और लोगों को कहना चाहता हूँ कि हे मानो तू कहाँ भाग रहा है,
सुख के चक्कर में जो है माँ की गोद में वो हिमालय में नहीं है, तो इसलिए मेरी भी माँ नहीं है। शायद मैं पंपोस को अपनी जगह ऐसा लगा कि मैं हूँ, उसकी भी माँ नहीं, बेचारा पता नहीं कैसे जीता होगा और कैसे क्या करता होगा, इसलिए मैंने उसका हेल्प करने का कोशिश की। और मुझे कोई शौक नहीं था, लेकिन आप प्रतापगढ़ से मुंबई आए हैं तो मुझे दो शब्द कहना ज़रूरी है। भगवान पंपोस को बहुत लंबी उम्र दे, उसकी बहुत शौक है, उसकी शादी हो, अगर माता रानी ने ज़रूर चाहा तो मैं कोशिश करूँगा चाहे एनी हाउ कि उसकी शादी मैं कराऊँ, और हमारे माँ दुर्गा भक्ति धाम चंदीपुर में उसकी शादी होगी, मेरी इच्छा है। देखते हैं माता रानी कहाँ तक हमें सफल करती हैं। आज पंपोस प्रतापगढ़ी जी के घर पे पूजा मतलब गृह प्रवेश का कार्यक्रम रखा गया है। अभी तो आप देख रहे हैं पूरा घर हमारा ये जो है, पहले हम इनका वीडियो बनाकर डालते थे तो अरुण चाचा ने फेसबुक पर मेरा नंबर मांगा कि विकास भाई मैं पंपोस से मिलना चाहता हूँ, तो उसके बाद हमारा दला बाबा धाम जहाँ हम लोग बैठकर अपना वीडियो बनाते थे तो वहाँ हमसे वो सबसे पहले मिलने आए। उसके बाद बोले विकास भैया मतलब पंपोस का घर के बारे में पूछे और इनके परिवार के बारे में पूछे, तो मैंने अरुण चाचा को बताया कि इनके घर में जो रहने की व्यवस्था है बिल्कुल एकदम व्यवस्था नाम पे कुछ नहीं है, बारिश होती है तो पूरे घर में पानी भर जाता था, उसके बाद दीवार में जगह जगह पानी गिरता था मतलब सीलन आती थी, और मतलब कोई सुविधा मतलब जो है नहीं थी इनके घर में। तो अरुण चाचा से मेरी जब बात हुई तो उन्होंने बताया कि विकास बेटा जाके इनका पूरा घर प्लास्टर कराओ, तो उसके बाद जो है हम आए, हमारे बड़े भैया आए, हम लोग पूरा घर इनका देख के गए जो है, तो मिस्त्री को बुलाए, लगभग दो महीने से ज्यादा इनके पंपोस भाई के घर में काम चला, दो महीने से ज्यादा इनके घर में काम चला। तो अरुण चाचा ने बताया विकास बेटा एस्टीमेट देख के बताओ कि इस घर में कितना खर्चा आएगा, तो पूरा सामान गिरवाए, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ पूरे घर का प्लास्टर चालू हुआ, उसके बाद फर्श नीचे का बना, ये सीढ़ी जो है पहले यहाँ सीढ़ी नहीं थी तो ये सीढ़ी 2000 ईंटा मंगवाकर ये जो है पूरा सीढ़ी बनवाया गया, उसके बाद ये चारों तरफ जो है घर का अपरम बनवाया गया, और जो तीनों कमरे थे उसमें खिड़की नहीं थी तो अलग से तोड़कर पीछे दो कमरे की खिड़की बनवाई गई, उसमें चौखट लगवाया गया, रीलिंग लगवाई गई, गेट का पल्ला कांच वाला लगवाया गया, तो मैंने पुराने वीडियो में आप सबको दिखाया था जो है अपरम बना, उसके बाद सीढ़ी बनी, ये दीवार बना, तो मतलब बहुत सारा मतलब पूरे घर में, उसके बाद अरुण चाचा के द्वारा फर्श प्लास्टर वायरिंग हुई। ये दिखाते, ये देखो ये घर के चारों तरफ जो है वायरिंग की लाइट लगाई गई है, और सबसे बड़ी बात जो मरकरी लाइट ऊपर लगी है जब ये रात में जलती है तो पूरा एकदम बहुत ज्यादा उजाला हो जाता है। और ये अपरम चाचा जी द्वारा बनवाया गया, ये चौखट लगवाया गया नया, इसमें तो मान लो था पीछे के दो कमरे में खिड़की भी नहीं, तो ये रीलिंग बनवाई गई, ये कांच वाला गेट लगवाया गया, अंदर जो पल्ला खुलता है खिड़की का उसको बनवाया गया, ये अलग से बनवाया गया, ये सब पहले कुछ नहीं था। तो और मैं आपको तो ये जो है मेन गेट भी नहीं था, ये अरुण चाचा जी द्वारा लगवाया गया, ये हाँ ये मेन गेट है, उसके बाद ये किचन का ये कुछ नहीं था, तो ये किचन का पूरा बनवाया गया सब अरुण चाचा जी द्वारा, ये सब पूरा किया गया। उसके बाद इस कमरे में ये पूरा कमरा जो है प्लास्टर करवाया गया, ऊपर पंखा लगवाया गया अरुण चाचा जी द्वारा, वायरिंग पूरा करवाया गया, बेड तो हमारे राम सिंह चाचा जी अरुण चाचा के सहयोगी हैं, उनसे बात हुई, और बाकी ये देख लीजिए ये सब खिड़की जो है वीआईपी तरीके से खिड़की लगवाया गया, ये कांच लगवाया गया, रेलिंग भी लगवाई गई, चौखट भी लगवाया गया, तो इतना मतलब घर की जो छोटी मोटी जरूरतें हैं सब वो हमारे अरुण चाचा जी द्वारा पूरी की जा रही है। और अगले कमरे में हम आपको दिखाते हैं, ये बोर्ड अभी बीच में कोई तोड़ दिया था आके, ये लोग तो थे नहीं, लेकिन आप देखिए ये बोर्ड जो है कोई तोड़ गया, तो पता नहीं कौन तोड़ा, हम तो नाम किसी का ले नहीं सकते। बाकी इस कमरे में आप देखिए जो है एक विशेष बात यह है भैया, पहले इस कमरे में खिड़की नहीं थी, अरुण चाचा से जब मेरी बात हुई बोले विकास बेटा इसको दीवार तोड़वा कर इसमें खिड़की लगवाओ, तो मैंने पहले ये चौखट लगवाया, उसके बाद चौखट लगवाने के बाद ये रीलिंग लगवाई मैंने, उसके बाद ये गेट लगवाया इसमें कांच सहित वीवीआईपी। और आप देख लीजिए चाचा कल राम सिंह चाचा जी द्वारा, अरुण चाचा के हमारे सहयोगी हैं, LG स्मार्ट टीवी 32 इंच की उनके द्वारा ये लगवाई गई, और ये अरुण चाचा जी से मेरी बात हुई तो बोले विकास बेटा राम सिंह चाचा से मेरी बात हो गई है, तो राम सिंह चाचा की तरफ से एक बेड जो है ये गद्दा और टीवी और ये सब दिया गया पूरा। अब उस कहीं लेट के दिखा दे, तो ये पहले भैया सोने की बड़ी असुविधा होती थी,
ये फर्श प्लास्टर पूरा चूता था, तो मैंने ऊपर खुलवा कर पूरा एक रद्दा निकलवा कर उसमें आरसीसी का लिंटर डलवाया है पूरे चारों कोर पे घर के। उसके बाद इतना इतना दीवार उठवा के पूरा रेलिंग सब ये हमारे अरुण चाचा जी द्वारा बनवाया गया। नीचे फर्श प्लास्टर पूरा जितना भी काम हुआ है, वायरिंग वगैरह हर कमरे में पंखा लगवाया गया और विधि विधान से मतलब जितना भी काम हुआ है सब अपना घर समझ के अरुण चाचा जी ने करवाया है। तो मैं अरुण चाचा को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। एक गरीब परिवार के लिए समझ लो भगवान बनकर वो आए, तो मैं उनको दिल से धन्यवाद देता हूँ, नहीं तो आज ये हालात नहीं होते।